हेलो गाइस, वेलकम टू थर्ड वीक ऑफ दिस 12 वीक रेजिस्टेंस बैंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। गाइस, आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं फुल बॉडी सर्किट ट्रेनिंग। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सर्किट ट्रेनिंग क्या है। सर्किट ट्रेनिंग का मतलब है कि जो भी वर्कआउट्स आज हम लोग करेंगे उन्हें हम करेंगे बैक टू बैक विद नो रेस्ट और मिनिमम रेस्ट। यानी कि आपने एक वर्कआउट किया, उसका एक सेट किया, फिर आप जाएंगे दूसरे वर्कआउट पे बिना किसी रेस्ट के, बिना किसी गैप के, उसके बाद आप उसका एक सेट करेंगे, फिर आप जाएंगे तीसरे वर्कआउट पे, फिर आप जाएंगे चौथे वर्कआउट में, एंड सो ऑन। इस तरह से आपको सारे वर्कआउट फिनिश करने हैं। जो आप अपने सारे वर्कआउट फिनिश कर लेंगे वो कहलाएगा आपका एक सर्किट। फिर आप थोड़ा रेस्ट लेंगे, फिर आप जाएंगे सेकंड सर्किट में, फिर आप सारे वर्कआउट रिपीट करेंगे। इस तरह से हमें टोटल 3 सर्किट आज फिनिश करने हैं। हाँ, आज का ये जो सेशन है थोड़ा डिफिकल्ट ज़रूर है, स्पेशली अगर आप एक बिगिनर हैं तो। लेकिन इसके फायदे बहुत सारे हैं, क्योंकि जब आप सर्किट ट्रेनिंग करते हैं तो आपकी जो हार्ट रेट होती है वो इंक्रीज होती है, जिससे आपका एंड्योरेंस, आपका स्टेमिना इम्प्रूव होता है, आपकी स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, जो आपको हेल्प करता है फैट लॉस में। तो बहुत सारे फायदे हैं सर्किट ट्रेनिंग के, इसलिए मैंने ये सेशन आज रखा है। तो अगर आप आज के सेशन के लिए रेडी हैं तो आइए फिर फटाफट से इस वीक का प्लान देख लेते हैं। सो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं ये 12 वर्कआउट्स जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन्हें हम करेंगे बैक टू बैक। पहले सर्किट में हम इन सभी वर्कआउट के लेंगे 12 रिपीटेशन, यानी कि फर्स्ट वर्कआउट आप करें उसके 12 रिपीटेशन लें, फिर आप बिना रेस्ट के जाएंगे सेकंड वर्कआउट में, उसके आप 12 रिपीटेशन लेंगे, फिर आप बिना गैप के अगेन आप जाएंगे तीसरे वर्कआउट में, उसके आप 12 रिपीटेशन लेंगे, एंड सो ऑन। इस तरह से आपको 12 के 12 वर्कआउट फिनिश करने हैं। जब आप सारे 12 वर्कआउट फिनिश कर लेंगे, आप थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, फिर आप जाएंगे सेकंड सर्किट में, वहां पे आप हर वर्कआउट के लेंगे 10 रिपीटेशन बैक टू बैक। इस तरह से आप अपना सेकंड सर्किट फिनिश करेंगे, फिर आप जाएंगे थर्ड सर्किट में, वहां पे आप इन सभी वर्कआउट के लेंगे 8 रिपीटेशन। इस तरह से आपको टोटल 3 सर्किट पूरे करने हैं इस पूरे सेशन में। और ये जो तीनों सर्किट्स हैं आपको करने हैं मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को। ट्यूजडे, थर्सडे, सैटरडे और संडे को आप करेंगे रेस्ट, क्योंकि रेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे आपने एक चीज नोट की होगी कि इस बार संडे को हम लोग कार्डियो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने पिछले 2 वीक में हर संडे को कार्डियो किया है। और उसका रीजन ये है कि जो सर्किट ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, सर्किट ट्रेनिंग वर्कआउट होता है, वो भी एक तरह का कार्डियो होता है, उसमें भी आपकी जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज होती है। तो अगर आप 3 दिन ऑलरेडी सर्किट ट्रेनिंग कर रहे हैं, कार्डियो कर रहे हैं, तो आपको ऑफकोर्स संडे को जरूरत नहीं है। कर सकते हैं, वो एक ऑप्शन है, बट जरूरी नहीं है। गाइस, आज का जो फर्स्ट सर्किट है वो मैं आपके साथ परफॉर्म करूंगा, बाकी के 2 सर्किट आप इसे देख के अपने आप परफॉर्म करें। और फर्स्ट सर्किट के लिए मैं ले रहा हूँ 30 पाउंड का रेजिस्टेंस बैंड। और क्योंकि सर्किट ट्रेनिंग में हम रेस्ट पीरियड को मिनिमाइज करते हैं, इसलिए आज जो भी वर्कआउट करेंगे उसमें हम डोर एंकर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सो विद दैट, लेट्स गेट स्टार्टेड।
सो गाइस, इस तरह से फर्स्ट सर्किट कंप्लीट करने के बाद आप एक मिनट का रेस्ट लें और उसके बाद दूसरा और उसके बाद तीसरा सर्किट पूरा करें। इस तरह से आपका ये वर्कआउट फिनिश होगा और इन तीन सर्किट्स को फिनिश करने के बाद आई एम श्योर कि आप बहुत एग्जॉस्टेड फील करेंगे एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी वांट। नेक्स्ट वीक हम लोग जाएंगे बिगिनर लेवल 4 में, जहां पे हम वर्कआउट की इंटेंसिटी को फर्दर इंक्रीज करेंगे। अंटिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग फिटनेस माय लाइफ।